हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक हो जाएगा अपनी मोबाइल की न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले बता दूँ कि मेरे 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। आप लोग 500 सब्सक्राइबर करवा दो यार। जितने जल्दी 500 सब्सक्राइबर होंगे उतने रॉयल पास मैं गिव अवे करूँगा। जल्दी हो गए तो मैं 3 रॉयल पास गिव अवे करूँगा। अगर लेट से हुए तो 1 या 2 रॉयल पास गिव अवे करूँगा। सबसे पहले बात कर रहे थे हमारे पास जो ये इवेंट है इसमें जो हमारे क्या क्या मिलने वाला है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें आने वाली है। सबसे पहले बात करें हमारे पास जो फ्री के क्रिस्टल सही मिलने वाले हैं, उसके बाद टाइम लिमिटेड या आउटफिट मिलने वाला है जैसे हम लोग डेली मिशन करके अब उसको इजीली ले सकते हैं। जो टाइम लिमिटेड है किसी काम का नहीं है। उसके अलावा एडगेयर की बात करें, एडगेयर हमारा परमानेंट होने वाला है जो मैं फ्री में मिलने वाला है। तो मैं इसको क्रिस्टल के लिए कर रहा हूँ, जिस क्रिस्टल मेरे पास बहुत कम है जो, क्योंकि तब लोगों को पता है तुर्की रीजन में मेजक वगैरह आते रहते हैं। और स्प्रिंग के साइकिलिंग में हमारे पास जो आप लोग देख सकते हो वैलेंटाइन डे स्पेशल होने वाला, जो कुछ लोगों को पता नहीं पता होगा या उनके बारे में नहीं पता होगा। डेली मिशन करके हम लोग लूडो की तरह उसको खेल सकते हैं, खेल सकते हैं उसको स्पिन करेंगे। हमारे पास जितने भी लक हुआ तो उतने दूर जाता जाएगा। हम लोगों ने बस क्या करना है, हम लोगों ने बस ये आर्ट कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद हमें वैलेंटाइन के 2 आउटफिट मिल जाएंगे जो परमानेंट होने वाली है, गर्ल्स की होने वाली है, बॉयज़ की होने वाली है। तो एडगेयर भी हमें मिल जाता है जो परमानेंट होने वाली है, जो एक गर्ल्स की होने वाली है, एक बॉयज़ की होने वाली है। जो बिल्कुल आउटफिट ज़बरदस्त है, मुझे बहुत ही ठीक लगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग कैसी लगे आउटफिट। और उसके अलावा आरपी कार्ड वगैरह सप्लाइज क्रेट वगैरह आप लोग ले सकते हो यहाँ से। उसके अलावा बात करते हैं हमारे पास जो न्यू इवेंट आने वाला है म्यूजिक फोर्ज, हमारे पास कौन कौन से म्यूजिक उसमें रिटर्न आने वाली है और कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आने वाली। म्यूजिक फोर्ज में हमारे पास जो सबसे पहले क्रेट 3 से 4 आउटफिट आने वाले जो कि मेथिक है, और उसके जो एडगेयर वो भी मेथिक होने वाली है। और आप लोगों को पता है कि सीज़न 2, 3, 4, 5, 6, 8 तक सीज़न में जो मिथिक फोर्ज हुआ था इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो बहुत सारे मिथिक्स हैं हमारे पास जो पबजी मोबाइल वाले रिटर्न नहीं कर रहे, जो बहुत ही रेयर मिथिक्स हैं, खतरनाक मिथिक है जो कुछ लोगों के पास है। आप लोग देख सकते हैं कि मिथिक फोर्ज का पहला जो हमारे पास एनिमेशन होने वाला है, एनिमेशन आप लोग देख सकते हैं हमारे पास एनिमेशन कैसे होने वाले। सबसे पहले आउटफिट आप लोग देख सकते हो वाइट होने वाला है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास ये 4 मिथिक्स है, आप लोग देख सकते हो कैसे होने वाली है। हमारे पास जो बहुत ही कम पबजी वालों ने रिटर्न किए, तो पबजी वालों पहली मरतबा उन्होंने रिटर्न किया। आप लोग जिसके पास भी क्रिस्टल ज़्यादा है तो आप लोग इसको इजीली रिडीम कर सकते हो। मेरे पास क्रिस्टल से नहीं है तो मैं इसको मुश्किल रिडीम कर सकूँ, तो इंशाल्लाह मैं रिडीम कर लूँगा। आप लोग मिथिक फोर्ज की एनिमेशन देख सकते हो कैसे टाइप होने वाली है। मैंने मिथिक फोर्ज की एनिमेशन जो बिल्कुल ज़बरदस्त है, ओपी है, मतलब बिल्कुल ही ठीक लगी। आप लोग देख सकते हैं सबसे पहले हमारे पास जो मिथिक फर्स्ट मिथिक है हमारे पास, आप लोग देख सकते हो हमारे पास कैसे होने वाली है। उसकी जो रिमोट ना वो ज़बरदस्त है, जो काफ़ी कम लोगों के पास है। जो टेंशन ना लो, वो पबजी मोबाइल वालों ने वापस रिटर्न किया है क्योंकि पिछली मरतबा ये आया था बहुत महंगा लकी स्पिन में, सॉरी स्पिन में कुछ आया था मुझे याद नहीं आ रहा। उसमें हम लोग कुछ लोगों ने 19,000 यूसी लगाया था, 18,000, 17, 16, 15,000 इतने सारे यूसी लगा के जिसने ये रिडीम किया था ना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि पिछली मरतबा बहुत महंगा था ये आए थे। अभी ये बहुत सस्ता हो गया, ये इजीली मिल जाएगा, रिडीम हो सकता है। तो इतने ज़्यादा यूसी नहीं जाएंगे। अब जो आप लोग देख सकते हो हमारे पास जो सेकंड और थर्ड आउटफिट देख सकते हो मिथिक जो हमारे पास कैसे होने वाली है, तो बिल्कुल ही ठीक ठाक है। पबजी मोबाइल वालों ने रिटर्न किया जो ऑल सीजन वालों के साथ ज़्यादती करते हैं पबजी मोबाइल वाले। और उसके अलावा हम लोग बात कर रहे थे हमारे पास जो लास्ट सेट है ना हमारे पास ग्लेशियर सेट, जो पबजी मोबाइल वालों ने काफ़ी कम दिया है क्योंकि हमारे पास ये एक ही मरतबा है, उसके बाद सेकेंड मरतबा रिटर्न हुआ। जो फर्स्ट यूनिवर्सरी में हमारे पास आया था शायद से, उसके बाद हमारे पास दोबारा नहीं है। जो आप लोग देख सकते हो हमारे पास कैसे होने वाले हैं जो ग्लेशियर सेट हमारे पास। तो उसके अलावा वेब सेट की बात करते हैं, हमारे पास वेब सेट आने वाला है नहीं आने वाला है, तो पबजी मोबाइल वालों ने तो बताया नहीं किसी को वेब सेट आने वाला है नहीं आने वाला है। तो सबसे पहले बता दूं कि वेब सेट हमारे पास रिटर्न नहीं आने वाला। इसके 2 मसाइल है। पहला मसाला है जिसको कोलिब्रेशन जो हुआ था पहली मरतबा हुआ था जिसमें ये आउटफिट वगैरह आए थे, अब इसका कोलिब्रेशन नेक्स्ट होगा तो फिर ये वापस रिटर्न होगा। इसके साथ कुछ और भी आएंगे वेब के सेट वगैरह क्लोथ वगैरह आएंगे। अगर इसका कोलिब्रेशन नहीं हुआ तो भूल जाओ, ये नहीं आएंगे रिटर्न, पबजी मोबाइल इनको रिटर्न नहीं करेगा। अगर इनकी कोलिब्रेशन वगैरह हो गई तो ये रिटर्न आएंगे, उसके साथ हमारे पास वेब के और सेट होंगे। तो आज की वीडियो बस इतनी थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो 500 सब्सक्राइबर कर दो यार, 500 सब्सक्राइबर बहुत देर से हो रहे हैं, हम लोग के 500 सब्सक्राइबर नहीं हो रहे हैं, करो यार। चलो मिलते हो किसी और वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।